हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और यहाँ पर अब हम बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक साथ बता रहे हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का जो न्यूमेरिकल है अल्टरनेटिंग करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जितना क्वेश्चन है कम्प्लीटली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है, मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह का प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। मैनुअल आपको करना है, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मैं भले अभी यहाँ समझाते वक्त कैलकुलेटर यूज़ करके फटाफट सॉल्व कर दूँगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस वीडियो पॉज कर करके आप उसको कैलकुलेट करिए तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं केवल वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने हैं इसके और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, परिपथ में धारा का आरएमएस कितना होगा, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, कैलकुलेट दिस, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट वैल्यू इन द सर्किट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर ए फुल साइकिल। मतलब यहाँ पर जो ये जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन लिखना है। तो गिवन क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले सबको आपको गिवन लिखना चाहिए। तो 100 ओम का प्रतिरोधक, मतलब R का वैल्यू है आपके पास 100 ओम, 220 वोल्ट तो ये क्या है, वी नॉट, ठीक है, वी नॉट इक्वल टू 200 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू इक्वल टू है 50 हर्ट्ज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? तो फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करने बोलता है आईआरएमएस ए, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करेंट। तो ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर। क्लियर? आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर। यहाँ पर ध्यान में रखना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वी का, वो आई आर एम एस निकला है, तो आई आर एम एस का वैल्यू होगा, ठीक है। गिवन है क्वेश्चन में 220 वोल्ट प्रतिरोधक, 220 वोल्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी सप्लाई वोल्टेज होगा क्वेश्चन में आपको कौन सा वैल्यू वी नॉट का वैल्यू है और कौन सा वैल्यू वी आर एम एस है, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो शुरू से मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आपको सप्लाई वोल्टेज की बात करेगा, सप्लाई वोल्टेज मतलब जितना सप्लाई हो रहा है वो आर एम एस वैल्यू होगा, और जितना वो पीक वैल्यू की बात करेगा अधिकतम मान का, वो भी नॉट का वैल्यू होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम आई आर एम एस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा वी आर एम एस होगा। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होना वैल्यूज पुट अप करने में, यहाँ सावधानी रखने हैं आपको, ठीक है। ये है वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, तो वी आर एम एस अपॉन आर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फार्मूला पर, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस का वैल्यू कितना है अपने पास 200, और अपॉन रेजिस्टेंस है 100, दैट इक्वल हो जाएगा 2 एम्पियर। तो फर्स्ट आंसर इज 2 एम्पियर। 220 वोल्ट का सप्लाई दिया है, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, वैल्यूज इसका डिफरेंट है, ये गलत है।
ये आप करेक्ट कर लेना। अरे 220 वोल्ट होगा वो। टू ट्वेंटी इंग्लिश मीडियम में सही दिया हुआ है, हिंदी गलत है। तभी तो मैं देखा आंसर, एनसीईआरटी में आंसर जो दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2.2 एम्पियर। ये करेक्ट करना है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है अपने को, देखो बी सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। तो पावर का फार्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो पावर निकल जाएगा। तो वी आर एम एस अपने पास है कितना, 220 वोल्ट इंटू आई आर एम एस हमने निकाल लिया 2.2, दैट इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 484। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपको, पहला क्वेश्चन पूछा है आई आर एम एस के लिए और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो पावर के लिए। क्लियर, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.2। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, देखो यहां पर शिखर मान बोला, मतलब वी नॉट का वैल्यू है। आरएमएस वोल्टता कितनी है, बी एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना होगा। क्लियर, द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करेंट। तो क्या गिवन है अपने को, गिवन इन क्वेश्चन वी नॉट, ये वी नॉट है इक्वल टू 300 वोल्ट। आरएमएस फाइंड करना है अपने को, ठीक है, और 10 एम्पियर है आई आर एम एस इक्वल टू 10 एम्पियर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई से व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, आई आर एम एस अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है वी आर एम एस दिया हुआ है, वी आर एम एस फाइंड करना है और आई आर एम एस, आई आर एम एस वोल्टता कितनी होगी। तो पहला वी आर एम एस, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, यहां पर देखो दिया हुआ है आपको वैल्यू, तो आर एम एस निकालना है आपको तो जरूरत नहीं है, वी आर एम एस का वैल्यू होता है वी नॉट अपन रूट टू, ये फार्मूला यूज करेंगे अपन, वी नॉट अपन रूट टू, ये आई वी आर एम एस का फार्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का वर्ग माध्य मूल मान, ना हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, अब इंग्लिश में भी हिंदी में भी बोल आर एम एस ही बोलते हैं, क्वेश्चन में भी आता है हिंदी मीडियम में आर एम एस वैल्यू देता है, तो ये है 300 और अपॉन रूट टू, दैट इक्वल 300 अपॉन 1.414, यह रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, मैं डिवाइड कर दूं, इन्हीं के लिए आपको बोल रहा था, ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, मैं तो कैलकुलेटर से आपको करके आंसर चेक कर देता हूँ सीधा। 300 अपॉन 1.414 इक्वल टू 212.1 वोल्ट, ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन पर है। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है क्वेश्चन के, आई आर एम एस, आई नॉट दिया हुआ है, आई आर एम एस दिया हुआ है, तो हमको आई नॉट फाइंड करना है। ठीक है,
बी इज, अब हमको फार्मूला पता है आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की खासियत है कि हर फार्मूला पर, हर कॉन्सेप्ट पर एक एक दो दो क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आई आर एम एस 10 एम्पियर है और हमको पूछा है उसमें क्या है आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट इन एसी सर्किट 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करेंट, उसका शिखर मान पूछा है। तो देयरफॉर आई नॉट इक्वल आई आर एम एस इंटू रूट टू, दैट इक्वल आई आर एम एस का वैल्यू दिया है 10 और रूट टू का वैल्यू 1.414। ठीक है, ये हो जाएगा 14.14 एम्पियर, दिस इज द सेकंड आंसर 14.14। ठीक है, 14.14 सेकंड आंसर। तो ये हो गया इसका वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है, सब दो दो चार चार लाइन के हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 34 मिली हेनरी का प्रेरित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट। ओके, नाउ गिवन इज, क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो ये दिया हुआ है एल का वैल्यू, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र, मतलब L इक्वल टू 44 मिली हेनरी, दैट इक्वल हो जाएगा 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस मिली है ना, मिली माइनस 3, सॉरी माइनस 3, 44 इंटू 10 टू माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या दिया हुआ है, वी आर एम एस 220 वोल्ट से उसको जोड़ा गया है, तो यह है वी आर एम एस, सप्लाई करंट को वी आर एम एस बोलते हैं अपन, सप्लाई को हमेशा वी आर एम एस बोलेंगे और शिखर मान को वी नॉट बोलेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। और फ्रीक्वेंसी दिया है ये 50 हर्ट्ज, यह है हमारा गिवन। अब हमको निकालना है आर एम एस, तो देखो आई आर एम एस, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रेरण कुंडली दिया हुआ है, और प्रेरण कुंडली का यदि आपको वैल्यू फाइंड करना है प्रेरण कुंडली का, तो वो होता है इसके लिए रेजिस्टेंस, मतलब वो होता है रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि हमको इसका आर एम एस वैल्यू चाहिए, तो आई आर एम एस जब हम लिखेंगे, आई आर एम एस, देखो अलग अलग क्वेश्चन में इसके रेजिस्टेंस बदलते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि केवल ओमिक रेजिस्टेंस लगा हो तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, जब उसमें इंडक्टेंस लगा हो, प्रेरण कुंडली लगा हो, तब उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसको एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चाहिए आई, तो वी अपन आर, तो इसका जो फार्मूला होगा वो वी आर एम एस अपन इसका एक्स एल होगा, ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे वी आर एम एस, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है आपको वी आर एम एस। ओके, वी आर एम एस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको चाहिए एक्स एल। देखो एक्स एल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, सिंस एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, ये हम फार्मूला जानते हैं, दैट इक्वल ओमेगा इक्वल 2πν इंटू एल, दैट इक्वल 2π का वैल्यू 3.14 इंटू ओमेगा दिया है, न्यू का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज, ये हो जाएगा 50 और इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये पूरा वैल्यू अपन पुटअप कर देंगे। यहाँ से एक्स एल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक साथ और फिर आंसर लिखता हूँ इसका, 2 × 3.14 × 50 × 44 × 10⁻³, ये हो जाएगा 13.83। इस तरह का कैलकुलेशन आप लोग करोगे
13.83। देखो तो हमने एक्स एल निकाल लिया। अब एक्स एल निकालने के बाद हमको वी आर एम एस पता है ये, और एक्स एल पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देयर फोर आई आर एम एस इक्वल, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो वी आर एम एस का वैल्यू अपने पास कितना है 220, ये हमने 220 पुट अप कर दिया, और अपान एक्स एल का वैल्यू निकाले हैं 13.83। देखो ऐसे इसमें बहुत से कैलकुलेशन आएंगे, मतलब थोड़ा बोरिंग कैलकुलेशन है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का, लेकिन आपको करना जरूरी है। अब 220 में 13.83 आप एग्जाम में आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा, अब डेसिमल को वहाँ ले जाके उसको 22000 करो, फिर उसको डिवाइड करो, लेकिन मैं तो यहाँ कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। वैसे लेंदी कैलकुलेशन नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड है, इस तरह के कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 220 में 13.83 में डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 15.9 एम्पियर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी तरह से हैं, सबसे पहले आप गिवन को लिखो, गिवन के बाद उसे रिलेटेड फार्मूला लिखो, उसको पुट अप करो, सॉल्व करो। तो अल्टरनेटिंग करंट में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करना है, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 7.4। एक 60 माइक्रोफेराड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। देखो ये भी डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन है। 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट। गिवन क्या गिवन है, देखो कैपेसिटर C इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड, दैट इक्वल 60×10⁻⁶ फेराड। सबसे पहले हम माइक्रोफेराड को फेराड में चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6×10⁻⁵ फेराड। ये गिवन लिखना सबसे पहला काम है आपका। इसके बाद 110 वोल्ट की आपूर्ति से, जो आपूर्ति होता है VRMS होता है, VRMS इक्वल, यह USA का क्वेश्चन है, क्योंकि USA में, अमेरिका में 110 वोल्ट की सप्लाई से घरेलू बिजली चलता है। हमारे जैसे इंडिया में 220 है, ब्रिटेन में 230 है, USA में 110 है, अलग अलग कंट्री में जो सप्लाई वोल्टेज है उसका वैल्यू अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज होता है, यह है 60 हर्ट्ज, क्लियर। ये हमको गिवन है। अब देखो गिवन ये मैंने लिख दिया, अब हमको फाइंड करना है क्या, परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। अब आरएमएस मान आपको ज्ञात करना है, जैसे भी मैं क्वेश्चन बताया था वो इंडक्टेंस के लिए था, प्रेरण कुंडली के लिए था, और ये जो क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो किसके लिए है, ये कैपेसिटर के लिए है। तो चूंकि कैपेसिटर के लिए है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अपने को उसके लिए आरएमएस निकालना है कैपेसिटर के लिए, तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपन एक्स सी, जैसे वहाँ पर एक्स एल किए थे, यहाँ पर एक्स सी से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्स सी का वैल्यू। तो एक्स सी इक्वल टू 1/ωc होता है, दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/ω को 2πν×c, दैट इक्वल 1/2×3.14 इंटू न्यू है अपने पास 60 हर्ट्ज, ये 60, और इंटू कैपेसिटर है 6×10⁻⁵। ओके देयर फोर एक्स सी इक्वल, अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। देखो ये सब पोर्शन आपको सॉल्व करना है अपने से, ये वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना है। एक बार आइडिया आपको दे देता हूँ, सबको मल्टीप्लाई करो, पहले 10^4 को, तो 10⁻⁴ ऊपर जाके 10^4 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है।
मैं कैलकुलेट करता हूँ 1/2 × 3.14 × 60 × 6 × −5 थोड़ा इजी कर दूँ इसको पहले मैं। देखो ध्यान देना, ये जीरो को लिया, ये जीरो को लिया तो −4, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 × 3.14 और × 6 × 6 = 36 और ये ऊपर जाके हो गया 10^-4 से 10^ क्या हो गया +4 हो गया। अब इतने को मल्टीप्लाई करके 10^4 से डिवाइड करने पड़ेगा, 2 × 3.14 इंटू इतना 44.23, ये 44.23 ओम, ये इसका XL का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको चाहिए RMS, ये मैंने फार्मूला लिख के रखा हुआ है। देयरफॉर टोटल कैलकुलेशन पर बेस्ड है, इसके न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। VRMS, तो VRMS अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, VRMS कितना है 110, ठीक है, और XC हमने निकाल लिया तो 110, ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, 110 ये फार्मूला मैंने पहले से लिख दिया था, इसी के बेस पर मैंने निकाला था, और ये XC का वैल्यू हमने निकाल लिया क्या 44.23। आप लोग के लिए भी बोरिंग वर्क है मेरे को मालूम है, परेशान हो जाओगे मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते, ठीक है, ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में मज़ा नहीं आता, सब जगह बस डिवाइड करो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं। तो 100/44.23 मैं तो फटाफट आपको बता दे रहा हूँ 2.49। मेन है प्रोसेस को समझना, और इस तरह का क्वेश्चन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ तक बात है कि नीट और IIT JEE में इस तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते, उसमें कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो मैं NCERT का क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जो स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, उनके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल्स आ सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल्स के स्टैंडर्ड अलग हैं। तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है कॉम्पिटिशन पाथ मेकर, वहाँ पर जब मैं अल्टरनेटिंग का करेंट का वीडियो डालूंगा तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, वहाँ पर अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे जो कॉम्पिटिशन में आते हैं। तो दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन आपको दोनों का प्रिपरेशन करना है। आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है तो ये आपके लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव में करना है तो वो आपके लिए जरूरी है, इसीलिए मैंने दो पार्ट में उसको डिवाइड ही किया है। मेरा दो चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि वहाँ पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव के स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल्स को करा सकूँ, और यहाँ पर मैं NCERT को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 2.49। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर अनअकैडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं महाराष्ट्र के 50+ टॉप एजुकेटर से, जिसमें आपको अलग अलग लैंग्वेज पर मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको कंटेंट्स अवेलेबल होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रिपेयर विथ अस फॉर फ्री। यहाँ पर फ्री क्लासेस की फैसिलिटी है आपके लिए, आप फ्री क्लास ले सकते हैं। फ्री क्लास लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें कोड यूज़ करेंगे अनलॉक करने के लिए, जितेंद्र सर लाइव, इस कोड से आप उसको अनलॉक करेंगे और आप पूरी पढ़ाई वहाँ पर लाइव क्लास आप फ्री में कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेस मिलेंगे, ये आप वहाँ से पा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए पर सब्जेक्ट आपको 250 रुपीज़ पेड करने होंगे ओनली, और मेरे कोड जितेंद्र सर लाइव को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं और फ्री क्लासेस भी आप पा सकते हैं। तो आप इसको, ये अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.5। अभ्यास 7.3 व 7.5 एक दूसरे चक्र के अवधि प्रत्येक परिपथ की कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। मैंने 7.3 और 7.4 को हमको एक बार करना है, 7.3 और 4 ये 4 है और ये 3। मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर हमने निकाला है
XL, यहाँ पर XL निकाला है और इसकी सहायता से हम देखो यहाँ पर भी RMS है और अगले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, XC निकाला है। लेकिन एक चीज़ है, मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ कि NCERT के क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर टॉपिक का, जैसे उसने देखा 7.3 में इंडक्शन से मतलब क्वेश्चन दिया प्रेरण कुंडली से, तो 4 में कैपेसिटर से दिया, मतलब हर वेराइटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसी पर कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन में 7.3 और 7.4 में आप क्या निकालो बोलता है, पावर निकालो बोलता है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4, व्हाट इज द नेट पावर ऑब्जर्व बाई ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो देखो ये हम निकालते हैं सबसे पहले 7.3 में, तो 7.3 में यदि पावर एवरेज आप निकालोगे तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला होता है। तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं, हमको मालूम है कि 7.3 में क्या है, इंडक्शन कॉयल था, एल यूज़ किया गया था, और हमको मालूम है कि जिसमें इंडक्टेंस कॉयल यूज़ किया गया हो वहाँ फाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई टू होता है, 90 डिग्री। तो पावर एवरेज वैल्यू पुटअप करने का ज़रूरत ही नहीं है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई टू, ये सब आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, और ये क्या होता है, जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7.3 में जो एवरेज पावर होगा वो जीरो होगा। इसी तरह से हम निकाल लें कि इसमें 7.4 में, सेकंड इन 7.4, तो वहां पर पी एवरेज इक्वल, यहां पर कैपेसिटर यूज किया गया है, तो यहां पर भी कैपेसिटर में भी फाई का वैल्यू पाई बाई टू होता है, तो पावर एवरेज यहां भी जीरो हो जाएगा, यहां भी लिखने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में जो औसत पावर है, जो औसत शक्ति है, वो दोनों क्या हो जाएगा, नेट पावर भी कह सकते हैं, वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो वो इस क्वेश्चन को उनके साथ इंक्लूड भी किया जा सकता था। तो दोनों में पावर जीरो होगा, पावर जीरो होने का रीजन क्या है, क्योंकि एल सर्किट में भी और सी सर्किट में भी दोनों में फाई का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई टू, एक जगह लीडिंग होता है एक जगह लैगिंग होता है, लेकिन होता पाई बाई टू ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 7.6, यहां पर आप देखो क्वेश्चन, एक LCR परिपथ की, LCR परिपथ की बात हो रही है, L इक्वल टू 2 हेनरी, C इक्वल टू 32 माइक्रोफेराड, R इक्वल टू 10 ओम, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा R परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए Q क्या होगा, Q मतलब क्वालिटी फैक्टर, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, आप है सीरीज LCR सर्किट, ये अच्छा क्वेश्चन है, विथ L, C, म्यू एंड R इज 10 ओम, व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। ओके, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो इसमें सीधा सीधा होता है, ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं होता। क्या क्या गिवन है देखो, L इक्वल टू 2 हेनरी, C इक्वल 32 माइक्रोफेराड, दैट इज 32 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, ठीक है, एंड R इज 10 ओम, और ओमेगा R आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ओमेगा R फाइंड करना है, LCR, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π न्यू, ठीक है, 2π न्यू, और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ओमेगा आर का वैल्यू, देखो रेजोनेंस का जो कंडीशन होता है, आपको याद होगा चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि रेजोनेंस के कंडीशन के लिए, फॉर रेजोनेंस ओमेगा एल इक्वल टू 1/ωc होता है। इसको हम सॉल्व करें तो ओमेगा आर जो कहते हैं वो होता है रूट अपॉन वन अपॉन एल सी, ये इसका फार्मूला है, क्योंकि इसको ओमेगा को इधर ट्रांसफर कर दें, ओमेगा स्क्वायर होता है और ये एल इधर आएगा, तो 1/LC मैं डायरेक्ट लिख दिया, ये चैप्टर में इसको हमने डिराइव किया है। अब यहाँ से हम इसको वैल्यू को पुट अप करें तो 1/√, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए बाकी कुछ नहीं, एल का वैल्यू है 2 हेनरी, एल इज 2 एंड कैपेसिटर इज
32 into 10 to the power minus 6। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, दैट इंप्लाइज ओमेगा आर इक्वल 1/, देखो 10 to the power minus 6 है, रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 10 to the power minus 3, और 32 into 2 कितना हो जाएगा 64। ये दैट इंप्लाइज ओमेगा आर इक्वल टू 1/, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हो गया 8 into 10 to the power minus 3। देयरफॉर ओमेगा आर इक्वल टू 1 में 8 डिवाइड करो और 10 के पावर को माइनस 3 ऊपर ले जाओ, तो 1 में 8 डिवाइड करने से क्या होगा, देखो पॉइंट वन टू फाइव। क्लियर। और उसमें फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर ले जाके तो 100,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 रेडियन पर सेकंड आएगा। 125 रेडियन पर सेकंड। कैसे हुआ समझ गए? 1 में 8 डिवाइड करो, 10 के पावर को ऊपर ले जाके प्लस कर दो, मतलब 1000 को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0.125 में 1000 का गुणा होगा तो 125 हो जाएगा। ये ओमेगा आर का वैल्यू है। अब यहाँ पर पूछा है सेकंड पार्ट में क्या, क्यू फैक्टर गुणता कारक। तो क्यू फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, देखो अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। आगे का पोर्शन यहाँ से देखिए आप, क्यू इक्वल टू होता है 1/r इंटू रूट ऑफ L/C। क्लियर। रूट ऑफ L/C, 1/r इंटू रूट ऑफ L/C, ये होता है क्यू फैक्टर का फार्मूला। दैट इक्वल यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें तो 1/r, r का वैल्यू क्या है अपने पास, देखना पड़ेगा पीछे, आर का वैल्यू 10 ओम है, और क्या चाहिए अपने को, एल और सी। 1/ रूट ऑफ LC का एल तो पता है अपने को, अच्छा एल और सी दोनों पता है, ठीक है, एल 2 और सी 32, ये 10, अरे सॉरी मैं बाद में एक साथ आपको दिखा दूंगा इसको, पहले मैं सॉल्व करके दिखा दूं फिर उसको क्लोज कर दूंगा। 1/10 रूट ऑफ एल 2 है और सी का वैल्यू है 32 into 10 to the power minus 6। दैट इक्वल यहां से हम सॉल्व करें तो 1/10 इंटू ये 10 to the power minus 3 हो जाएगा रूट से बाहर निकालने के बाद, और रूट के अंदर ये हो जाएगा 1/16। दैट इक्वल 1/10 into 10 to the power minus 3 और इंटू ये हो जाएगा 1/4। ये पूरा हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो 1/16 का 1/4 हो जाएगा। सॉल्व करें इसको 10 to the power 3/40, इसको ऊपर ले जाएं तो 10 to the power 3/10 into 4 40, 10 कैंसिल होगा तो 100/4 मतलब 25, ये हो जाएगा 25। इसका यूनिट नहीं होता ना क्यू फैक्टर का, तो 25 इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन का आंसर दिया है 25। ओके, तो आंसर नंबर 2। तो दो आंसर है इसमें, एक ये आंसर 125 और सेकंड आंसर ये। आप इसको, आपको इसको मैं एक साथ दिखा दिया इस तरह से,
थोड़ा इतना में दिखेगा, साइज छोटा करके दिखेगा आराम से, है ना। ये इस बोर्ड में अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास कि सब पे पहले पार्ट पार्ट में उसको सॉल्व कर दो और उसको कॉम्पैक्ट करके दिखा दो। ये पूरा निकला, ये गिवन, ये हमने पहले रेजोनेंस निकाला है, रेजोनेंस कंडीशन के लिए ओमेगा आर निकाला, ओमेगा आर का वैल्यू ये आंसर नंबर फर्स्ट, और ये क्यू फैक्टर ये आंसर नंबर 225। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 30 माइक्रोफेराड का एक अवशोषित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है, परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी? जो अभी क्वेश्चन पूछा वही कोणीय आवृत्ति निकालना है। ए चार्ज 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेशंस, ठीक है, ऑफ द सर्किट। यही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है, गिवन इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है देखो, संधारित्र C इक्वल 30 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स 30 × 10⁻⁶ फेराड, 27 मिली हेनरी, L इक्वल टू 27 मिली हेनरी, दैट मीन्स 27 × 10⁻³ हेनरी। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी? तो आपको पूछा है ओमेगा आर, ये हमको पूछा है ओमेगा आर, और एल और सी दिया हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन अभी बनाया है ना, रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, अभी बनाया है। ओमेगा आर इक्वल टू आप सीधा लिख सकते हो, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√L(C), दैट इक्वल, ये क्या क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन ही है। ये हो गया 27 × 10⁻³ × 30 × 10⁻⁶। सॉल्व करो भाई, अब इसको आप लोग क्या आंसर दिया है इसका, ये तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया। देखो कुछ तो मैं सॉल्व करके बता दूं आपको, 6 और 3 9 हो गया, लेकिन 1 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁴ बाहर आके, और इंटू 27 × 3, तो 3⁴ हो गया वो, तो ये हो जाएगा 3² मतलब 9। समझ में आया क्या क्या किया मैंने, 27 × 3, 3 × 3 × 3 तीन बार है ये, और ये 3 चार बार हो गया, तो 3² मतलब 9 बाहर आ गया, और इस तरह से कर लिया। अब 1 में 9 को डिवाइड कर दो, ठीक है, 10⁴/9, दैट इक्वल 10⁴/9। अब डिवाइड तो करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4/9 ये डिवाइड करना आप लोग, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 1.1 × 10³। या ऐसा मत करो, इसको ऐसा करो, ये ज़्यादा आसान होगा, × 10³ कर दो, तो 1.1 × 10⁻⁴, ये ज़्यादा आसान होगा आंसर, ये मतलब ये 4 को 3 और 10 लिख दो, 10 में 9 डिवाइड करना फिर आसान है, ऐसा भी हम 10⁻ में आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर आया हुआ है 1.1 × 10³। तो ये तो पीछे का क्वेश्चन का ही रिपीट है, समझ लो पीछे का क्वेश्चन ही रिपीट है, बस उसमें तो बल्कि क्यू फैक्टर भी पूछा था, ये रिपीट क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं था इसको। देखो कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में, अच्छा 7.7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 माइक्रोफेराड है, ओ प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित है, बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी? अब ये 7.7 का मेन रोल इस क्वेश्चन में है, तो 7.7 में हमने जो कुछ भी देखा है उसमें एडिशनल आपके पास क्या है, वो है इसके पास आवेश इतना माइक्रो कूलम, तो जो चार्ज है वो है 6 मिली कूलम इक्वल टू 6 × 10⁻³ कूलम,
तो कुल कितनी ऊर्जा संचित होती है, तो पीछे के डेटा का मैं इसमें यूज़ करूँगा, पीछे के क्वेश्चन का इसके डेटा यूज़ करेंगे अपन, ये जो गिवन है, ठीक है। और इसमें हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है एनर्जी, सी दिया है 30 N - 6 µC, तो संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या है इस फॉर्म में, जब सी पता हो और क्यू पता हो। संचित फार्मूला, संचित ऊर्जा का तीन फार्मूला होता है, 1/2 CV² और 1/2 Q² / C। ऊर्जा या एनर्जी एक तो होता है 1/2 CV², सब फार्मूला लिख देता हूँ, एक होता है 1/2 CV और Q = C/V से हम इसको सॉल्व करें तो Q/V। तो यहाँ से हम हटा दें किसको, V हमको नहीं पता है ना, तो V = क्या हो जाएगा Q/C, V = यहाँ से हो जाएगा Q/C। तो V का वैल्यू को हम यदि यहाँ से Q/C पुट अप कर दें तो XC कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर होके, तो यह हो जाएगा 1/2 Q का इसके साथ में स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा Q² / C, क्लियर। तो 1/2 Q² / C भी होता है, ये फार्मूला हमको यूज़ करना है क्योंकि हमको Q और C पता है। दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/2, चार्ज दिया हुआ है ये 6 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और C का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमको इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से लेना है बोल रहा है उसको, 30 × 10⁻⁶। थर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स दैट इक्वल 1/2 6² 36, ये हो जाएगा 10⁻⁶ / 30 × 10⁻⁶। ओके, इसको सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से करें तो 3 10 जा और 3 12 2 6, तो 6/10 हो जाएगा ये, दैट इक्वल 6/10 दैट इक्वल 0.6 जूल एनर्जी है, तो जूल कितना आंसर आया, 0.6 जूल। ओके ठीक, तो ऐसा सॉल्व होगा ये। तो ये आप एनर्जी के फार्मूला को कन्वर्ट करना, या फिर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए, लेकिन बेसिकली हम लोग को फार्मूला याद रहता है 1/2 CV², तो काइनेटिक एनर्जी के साथ में अपन उसको लॉजिक लगा के 1/2 MV², तो इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी होता है 1/2 CV², और बाद में हम इसको ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखना, E = 1/2 Q² / C। तो ये क्वेश्चन को रिलेटेड है किससे, 7.7 से, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू लेना है अपने को, यहाँ पर बल्कि लिख ही देता हूँ उसका वैल्यू को मैं इस क्वेश्चन के नीचे, किसका, सी का। तो C = उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 30 µF, दैट मीन्स 30 × 10⁻⁶ फैराड, ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है, तो ये इसका एनर्जी हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7.8। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.9, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें R = 20 ohm, L = 1.5 H तथा C = 35 µF एक परिवर्ती आवृत्ति की 220 V AC आपूर्ति, ये शब्द कभी नहीं भूलना, आपूर्ति बोला मतलब RMS से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई मध्य शक्ति कितनी होगी, पावर कैलकुलेट करना है। इंग्लिश में ए सीरीज LCR सर्किट विथ R = 20 ohm, L = 1.5 H एंड C = 35 µF इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 V ए सप्लाई व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द
इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज पावर, औसत शक्ति। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा काम है गिवन, ये काम आप कभी नहीं भूलना, गिवन लिखे बिना आपको कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं बनेगा। R 20 ओम, R इज 20 ओम, L इज 1.5 हेनरी, L इज 1.5 हेनरी, C इज 35 माइक्रोफराड, तुरंत फैराड में इसको चेंज करो, 35 इंटू 10 टू इज पावर माइनस 6 फैराड। फ्रीक्वेंसी की एक आवृत्ति की 220 वोल्ट, एक परिवर्ती आवृत्ति के 220 वोल्ट एसी आवृत्ति, मतलब वी आर एम एस इक्वल 200 वोल्ट। क्लियर? 7.9 पावर एवरेज निकालना है एलसीआर का। परिपथ की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर है, मतलब यह रेजोनेंस का कंडीशन है, और रेजोनेंस के कंडीशन में आर जेड के बराबर होता है, तो इसको हम जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब सीरीज रेजोनेंस होता है तो जो ओमिक रेजिस्टेंस है, मतलब जो प्रतिरोध है, वह इम्पीडेंस के, मतलब प्रतिबाधा के बराबर होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है, अब हमको निकालना है पावर, तो हमको चाहिए सबसे पहले आई आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस इक्वल टू पावर का जो वैल्यू होता है, एक बार मैं फार्मूला लिख दूँ, पावर एवरेज का जो फार्मूला है वो होता है वी आर एम एस, अभी यूज़ किए हैं अपन, इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो हमारा मेन पर्पज़ है अब यहाँ से क्या निकालना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वी आर एम एस तो दिया है, हमको निकालना है आई आर एम एस, और आई आर एम एस निकलेगा तो उसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो चूँकि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, देखो वी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू वी अपन आर, तो वी आर एस अपन आर, यहाँ पर जेड होगा जो आर के इक्वल है, तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपन आर, जो कि जेड के बराबर है, आप जेड भी लिख सकते हैं इसको, ये दोनों लिखना कहीं से गलत नहीं है, इसको जेड भी लिख सकते हो, मैंने पहले बता दिया कि आर जेड के इक्वल है। तो चलो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप करते हैं, और ये निकल जाएगा दैट इक्वल वी आर एम एस का वैल्यू कितना है अपने पास, 200 अपॉन ये है आर का वैल्यू 20। ठीक है, ये हो गया 10 एम्पियर, ये हमने निकाल लिया। अब ये निकला उसके बाद तो आसान है ये, तो पावर एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस का वैल्यू 200 इंटू आई आर एम एस का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 10 इंटू यहाँ पर क्या होगा कास, इसका पावर फैक्टर 1 होता है, कास 0, क्योंकि सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट में ये जो डिग्री है वो 0 डिग्री होता है, दैट मीन्स पावर फैक्टर 1 होता है, उसको सीधा 1 भी लिख सकते थे अपन, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2000 वाट पावर। क्या आंसर देता है इसका, 2000 वाट, बुक में आंसर दिया 2 किलो वाट, एक ही मतलब है 2 किलो वाट, ऐसा निकलेगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आई आर एम एस निकालना है, और हमको यहाँ पर दोनों वैल्यू को पुट अप कर देना है, वी आर एम एस का आई आर एम एस का, और कास फाई यहाँ पर 1 है, 0 मतलब 1। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7.9, तो आसान है ये, वैसे इसके क्वेश्चन आसान है, बस कहीं कहीं पर लेंदी कैलकुलेशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.10, एक रेडियो को MW प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक समस्वरित किया जा सकता है यदि इसके LC परिपथ लगा है, प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी हो, तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए।
ओके दिया हुआ है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ MW ब्रॉडकास्ट बैंड, दिस LC सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। ये हिंट का जरूरत नहीं है, यहां पर आप देखो सीधा गिवन, फ्रीक्वेंसी दिया है रेंज 800 किलोहर्ट्ज से 200 तक प्रसारित किया, इसके LC परिपथ का प्रभाव का परिपथ L दिया हुआ है 200 माइक्रो हेनरी, दैट मींस 200 इंटू 10^-6 हेनरी, दैट इज 2×10^-4 होगा, दो जीरो किसके साथ मर्ज कर दिया, क्लियर। तो पूछ रहा है मूल आवृत्ति प्रवृत्ति संघायित की परास कितनी होनी चाहिए, परास ओके 7.10 एक रेडियो को MW प्रसार बैंड के एक खंड से जोड़ा गया है, दो फ्रीक्वेंसी है ना इसमें, 8000 μ1 μ2 वो भी लिख लें अपन, μ1 है 8000 किलोहर्ट्ज मतलब 800 इक्वल टू हो जाएगा 8000 इंटू किलो मतलब 10^3 मतलब ये हो गया 8×10^5 हर्ट्ज, और μ2 वो कितना दिया हुआ है, μ2 इक्वल 1200 किलो हर्ट्ज, यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ ना इसको, तो 1200×10^3 मतलब 12×10^3 5, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है, ये दिया हुआ है, और दोनों कंडीशन के लिए हमको क्या निकालना है, संधारित्र का परास निकालना है कैपेसिटर का। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और अच्छा क्वेश्चन, देखो चूंकि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है 1/2π√LC, ये फार्मूला होता है। तो पहले इसको फार्मूला को मैं यदि साल्व कर लूँ, आगे सिंप्लीफाई कर लूँ, तो दैट इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4π²×L×C, दैट इम्प्लाइज इसको कैपेसिटर के लिए साल्व कर लें C के लिए, तो यहाँ पर C को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/4π²×L×ν², ये मैंने सबसे पहले फार्मूला को अपने आवश्यकता के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया C के लिए, तो C=1/4π²L√ν², ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो μ=1/2π√LC जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हमने C के लिए कर लिया, क्यों कर लिया ऐसा, क्योंकि हमको इसको संधारित्र का परास चाहिए कैपेसिटर का दोनों कंडीशन में। तो सबसे पहले के लिए फिर दूसरे के लिए अपन बारी बारी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको फिर मैं मूव करके आपको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में कंबाइन कर लेंगे अपन। फॉर फर्स्ट कंडीशन C1=1/4π², तो 4×3.14² × L, देखना पड़ेगा भाई L कितना दिया हुआ है, 2×10^-4
टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर, ये वैल्यू है किसका, एल का। अब न्यू का भी अपने को वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा, तो न्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो, न्यू वन एट इंटू टेन टू द पावर फाइव, ये एट इंटू टेन टू द पावर फाइव, एट इंटू टेन टू द पावर फाइव, एट इंटू टेन टू द पावर फाइव, ये सी वन निकलेगा, सी वन इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो फाइव और फोर ये तो हो जाएगा, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, ये फोर टू जा एट और एट सिक्सटी फोर, ये तो मैं पहले कर लूँ, सिक्सटी फोर चार दूनी आठ और आठ अट्ठे चौंसठ, थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर तो कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। टेन टू द पावर माइनस फोर, टेन टू द पावर फाइव, तो यहाँ पर बच जाएगा टेन, तो इंटू टेन कर लिया, दैट इक्वल, ये मैं कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ, सी वन, सी वन 3.14 18। यहाँ पर एक मिस्टेक किया मैं, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, न्यू स्क्वायर है ये, बाप रे, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर, और अभी वन अपॉन एट इंटू 3.14 का स्क्वायर, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, फिर एट का स्क्वायर 64, टेन टू द पावर माइनस फोर, और यहाँ पर टेन टू द पावर टेन, ये हो जाएगा, ठीक है, दैट इक्वल वन अपॉन एट को एट रहने दूँ, 3.14 इंटू 64 और इंटू यहाँ पर 10 का पावर हो जाएगा 6, 10 का पावर 6, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, अब 3.14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3.14 स्क्वायर 10 टू माइनस 12 कर दें 6 स्क्वायर, वन नाइन्टी सेवन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर, ऊपर जाके माइनस ट्वेल्व एक्स सिक्स यहाँ से आएगा, इतना होगा जिसको हम लिख सकते हैं 197.7 पीको फैराड, 197.7 पीको फैराड, टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व को हम पीको फैराड कहते हैं, क्लियर। तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन, इसको आप लोग करके देख लेना, यहाँ पर कैलकुलेटर से कर लेना, वैसे इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए, प्रोसेस तो आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद हम करते हैं इसके सेकंड पोर्शन का कैलकुलेशन। सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन के लिए, दूसरे परास के लिए, तो वहाँ पर सी टू इक्वल टू, ठीक है, सी टू इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई, वही मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, वन अपॉन फोर इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू टू इंटू टेन टू द पावर वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या था फार्मूला में, एल इंटू न्यू स्क्वायर, एल तो यही वही पुट होगा, एल का वैल्यू सेम पुट होगा, एल का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर और इंटू फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो जैसे इसका फ्रीक्वेंसी एट था उसका था 12 इंटू टेन टू द पावर फाइव का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये पोर्शन आप लोग सॉल्व कर लेना आराम से समय देके, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू आएगा 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर 10, ऊपर जाके हो जाएगा 10,
बच जाएगा 4 × 3.14 का स्क्वायर और 2 × 2 × 12 144 डिवाइडेड बाई 87.8 87.8 × 10⁻¹² दैट मीन्स 87.8 पीको फैराड, 87.8 पीको फैराड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब क्वेश्चन को एक बार मैं आपको एक आल सेलेक्ट करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो स्टेटमेंट तो आप पहले देख लिखे थे, बहुत छोटा छोटा हो गया लेकिन आप तो पहले देख लिए थे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इसका परास रेंज ज्ञात करो, तो रेंज यहां पर क्या है इसका, देखो इसका रेंज है ये, मतलब 197.7 पीको फैराड से 87.8 पीको फैराड, ये इसका रेंज है। मतलब एक बार हमने C1 फाइंड किया इस फार्मूला की सहायता से न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक बार हमने क्या किया C2 फाइंड किया, तो ये इसका परास का रेंज है, ये है इसका क्वेश्चन। ठीक है आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा सर्किट पर बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कैलकुलेशन है आपका, सर्किट तो बहुत छोटा सा बन पाया है यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट बनाते बना नहीं, जिसको हम लोगों ने सर्किट को मैं ऐसा आपको दिखा दूंगा। ये एक मिनट, पहले स्टेटमेंट समझा दूं आपको। देखो इस क्वेश्चन में बहुत से पार्ट हैं, ए बी सी डी सब पूछा हुआ है। चित्र 7.21 में ये आपको एक सर्किट दिख रहा है, इसको मैं अलग से बना दूंगा अभी। और इस सर्किट में ये इंडक्शन कॉइल है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। तो चित्र 7.12 में एक श्रेणी LCR परिपथ, श्रेणी LCR परिपथ दिखाया गया है, जिसे परिवर्ती आवृत्ति 230 वोल्ट के स्रोत के साथ में जोड़ा गया है। L = 5 हेनरी, C = 20 माइक्रोफराद, R = 40 ओम। स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करें, ये आवृत्ति निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि पार्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन निकालने बोले, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति का धारा ज्ञात कीजिए, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभव पात के RMS को मान निकालिए, दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है। इतना चीज हमको बताना है। फिगर 7.21 शोज ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, कैलकुलेट डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट ऑफ द सर्किट शो इन द सर्किट। अब यहाँ पर देखो गिवन तो बहुत सारा है, इसमें सब मैं लिख दूँ यहाँ पर। इसी गिवन के बेस पर कैलकुलेट होगा सब। फ्रीक्वेंसी के स्रोत से जुड़ा है तो VRMS 230 वोल्ट, L = 5 हेनरी, C = 80 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स 80 × 10⁻⁶ फैराड, रेजिस्टेंस R = 40 ओम, इतना हमको दिया हुआ है। ठीक है, और वन बाय वन कैलकुलेट करने बोला है। सर्किट मैग्नीफाइंग नहीं होगा तो यहाँ पर मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। ये सर्किट इस तरह से है, ये
सर्किट बड़ा सा बना दूं मैं, ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है एसी करंट, वैसे आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये आर है, यहाँ पर कैपेसिटर है सी, और यहाँ पर है इंडक्शन कॉइल एल। ये सर्किट है, ये मैंने बड़ा बना दिया इसको, छोटा सा हमने वहाँ से स्कैन किया था, ये बड़ा बना दिया। अब एक एक पार्ट में इसको हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्रोत की आवृत्ति निकालिए, ठीक है, स्रोत की आवृत्ति निकालिए, ये गिवन है, और मैं आपको इसको बारी बारी से साइड में निकालते जाता हूँ एक एक करके, ठीक है। देखिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर से रीड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और अनुनादी आवृत्ति, ओमेगा आर। फर्स्ट ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC, मतलब अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं ना, सब की एक तरह से प्रैक्टिस है। अब L का वैल्यू 5 और 18 × 10⁻⁶, 1/√ L का वैल्यू 5 दिया है, उधर पीछे गिवन में देख लेना, और 18 × 10⁻⁶, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 50 rads/s। एक एक मैं निकालते जा रहा हूँ, 50 rads/s, साल तो आप कर लोगे ये। इसके बाद सेकंड नंबर इसमें जो पार्ट में पूछा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो न्यू नॉट इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, ओमेगा नॉट अपॉन 2π, क्यों, ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू होता है, तो ओमेगा नॉट अपॉन 2π, तो यहाँ से हम ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट अप कर दिए 50, ये जो निकाले ओमेगा आर या ओमेगा नॉट वही है 50/2 × 3.14, इसको डिवाइड कर दें 50/2.14 में, तो आ जाएगा 7.76 hertz। ये हो गया एक कैलकुलेशन, ठीक, एक एक कैलकुलेशन पीछे क्वेश्चन से आप पढ़ लेना, उसके बाद निकालते जाना। सेकंड नंबर परिपथ की प्रतिबाधा धारा IRMS इक्वल टू VRS/Z, IRMS पूछा है, IRMS इक्वल टू VRS/Z, अनुनादी आवृत्ति है तो जेड आज आर के बराबर होगा, और VRMS हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, VRMS क्वेश्चन में दिया है 230 और अपॉन जेड 40, तो 230/40, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट अप करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। मेरे पीछे क्वेश्चन है, इस बार बार स्लाइड लाने के बजाय मैं आपको एक बार बता दूंगा, अभी मैं इसको बुक के डेटा से बता देता। 230/40, 23 में 4 डिवाइड करो 5.75 एम्पियर, क्लियर, ये IRMS निकल गया। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है आई नॉट, इसमें धारा का शिखर मान पूछा है, तो I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 IRMS = √2 × I नॉट, आपको पता I नॉट इक्वल टू, ठीक है, I नॉट निकालना है, I नॉट इक्वल √2 × IRMS होगा, क्योंकि IRMS = I0/√2 होता है, तो IRMS हम ऊपर निकाल चुके, इसका वैल्यू होता है 1.414,
इंटू 5.75। बहुत बोरिंग कैलकुलेशन है, कई क्वेश्चन ऐसे मुझे बहुत बोरिंग लगता है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ये फार्मूला बार बार यूज़ करके वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं तो कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ। 1.44, ये डबल नहीं समझ रहे ना, यहाँ पर आप डेसिमल जैसा दिख रहा है। 1.14, होता है ना, अरे आई नॉट इक्वल √2 × IRMS दैट इक्वल 1.414 × 5.75 दैट इक्वल, अब मल्टीप्लाई करो, 1.414 होता है √2 का वैल्यू, 8.13 एम्पियर। क्लियर, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। इसके बाद चलो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। सी में क्या पूछा है क्वेश्चन में, सी में बोलता है परिपथ में त्रिकोणों के विभव पतन के आरएमएस के मानों को। अच्छा, एल में आरएमएस, तो एल आरएमएस वी एल पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा इसका करंट आई और एक्स एल। कैसे हुआ, विभव बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, एक्सएल प्रतिरोध होता है, दैट इक्वल इसको लिख सकते हैं हम आई आर एम एस इंटू एक्स एल को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल। अब सबका वैल्यू पुट अप कर दो, आई आर एम एस हम निकाल चुके हैं 5.75, अभी नीचे निकले यहाँ पर निकाले हैं, देखो 5.75 इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं पीछे से 50 इंटू एल, 50 है और इंटू एल का वैल्यू कितना गिवन है 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करें, 5×5=25, 250 में 5.75, 250 इंटू 5.75 1437.5 1.14 क्या लिख दिया, 1.4375 ये हो जाएगा वोल्ट, 1.4375 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद वी आर निकालना है, तो आई आर एम एस इंटू आर, वी आर निकालना है तो आई आर एम एस इंटू आर, वी आर है, एक्सएल है, वी आर है, ये इंडक्शन कॉइल का पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है। आई आर एम एस हमको पता है 5.75 और रेजिस्टेंस प्रतिरोध हमको क्वेश्चन में दिया है कितना दिया हुआ है 40, 230 वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई करो 5.75 इंटू 40, 230 वोल्ट। परेशान तो नहीं हो गए, कैलकुलेशन करते करते वही काम करना है, दो चार पांच क्वेश्चन है ना साथ में, वी एल तो आई आर एम एस इंटू एक्स एल, ओम के नियम से ना वी इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ भी वी इक्वल टू आई इंटू आर, कुछ नया काम नहीं हो रहा है, धारा में उसके प्रतिरोध का गुणा हो रहा है, यहाँ पर एल है तो एक्स एल का मल्टीप्लाई हुआ, आर है तो आर का मल्टीप्लाई हुआ, और कुछ नहीं, सभी क्वेश्चन में वही काम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पर। इसके बाद इसमें विभव पतन बोला है, सी में आर एम एस में विभव पतन, तो वी सी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी, सी में विभव पतन तो अब क्या करेंगे वी सी, तो आई आर एम एस इंटू जैसे एक्स एल था वैसे वहां पर एक्स सी हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज
IRMS इंटू जैसे यहाँ ओमेगा एल था उससे जगह 1/ωc हो जाएगा और IRMS का वैल्यू 5.75 तो सब जगह वही अप्लाई होगा। 1/ω का वैल्यू कितना था 50 इंटू सी, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ था 80 × 10⁻⁶। क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है 80 × 10⁻⁶, मतलब हम तीन बार वही काम कर रहे हैं। देखो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वी एल निकाला, वी आर निकाला, अब निकाल रहे हैं वी सी, सब अपने अपने फार्मूले से काम वही वही है। इसको भी मैं कैलकुलेट करके लिख दूं, वाह इसका वैल्यू भी 1437.5 आ रहा है, वाह दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसका वैल्यू सेम आएगा इतना वोल्ट, क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला है विभव पतन, एलसी समायोजन में विभव पतन, तो पोटेंशियल ड्राप नेचुरली जीरो होगा। पोटेंशियल ड्राप V इक्वल टू पोटेंशियल ड्राप का फार्मूला हो जाएगा IRMS × IRMS × XL − XC। अब रेजोनेंस कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे भी आप देख रहे हो इंडक्शन कॉइल का जो पोटेंशियल है और कैपेसिटर के दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है, तो XL − XC ये दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों कैंसल आउट होके IRMS × 0 हो जाएगा और Z = 0 हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हैं, मतलब लेंदी क्वेश्चन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पार्ट बहुत हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा 0, XL XC के बराबर हो जाएगा इसलिए। अब देखो एक बार मैं आपको इसको यदि छोटा हो के दिखे आपको तो देखो इसको थोड़ा अरेंज कर दूं मैं, यदि हो जाए आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, चलिए ठीक है दिख तो जाएगा। एक बार रिवीजन कर दूं, यह क्वेश्चन अभी आपको दिख नहीं होगा, शुरू में आपने पढ़ लिया था, यह गिवन है सर्किट को मैंने मैग्नीफाइंग किया है, यहाँ पर ओमेगा आर निकाले कई बार निकाल चुके हैं सर, सेकंड में IRMS निकाले, इसके बाद VL निकाले, VR निकाले, VC निकाले और यह पोटेंशियल ड्राप निकाले विभव पतन जो कि जीरो आया। तो सर बहुत से पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, सब डायरेक्ट फार्मूला पर है। हाँ कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मैं तो डायरेक्ट कर दिया है कैलकुलेशन से, आप उसको कैलकुलेशन करके देख लेना। तय हुआ रहा कंप्लीट हुआ LCR मतलब अल्टरनेटिंग करंट का न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन बेस्ड हैं, बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा नहीं आते, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है, जो मैं आपको अपने कॉम्पिटिशन पाथमेकर वाले चैनल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगा, तो वहाँ से जब वहाँ पहुँचूंगा फिर स्टार्ट हुआ है तो वो होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके थैंक यू।